हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कांटेक्ट का रीडिंग करूंगी, ठीक है। उसके पहले बोल दूं, ये मेरा पर्सनल पेज रीडिंग के नंबर है, तो जो लोग भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो वो लोग इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो 111 में कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, ओके। और अदरवाइज अगर आप कोई भी बड़ा वीडियोज चाहते हो उनका डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और सारे रिलीजन के लोगों के लिए है, सारे जेंडर के लोगों के लिए है और कोई भी स्टेटस वाले लोगों के लिए, मतलब सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो, कोई भी देख सकते हो। तो चलिए रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। प्लीज एंसर गाइड मी। मेरे व्यूअर जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स, करेंट थॉट क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स, करेंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स, करेंट थॉट क्या है, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स, करेंट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त, मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, रियूनियन चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, बहुत ज्यादा गिल्ट में है, कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं, रिग्रेशन में है। कुछ लोगों के पर्सन किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं और मैरिज में फंसे हुए हैं, वहाँ से चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं आपके पर्सन, ओके। और पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ चीज़ उनके ऊपर बर्डन बन चुका है, लेकिन वो वहाँ से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। और क्या एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे, यस। 3-3 की एनर्जी है और आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। कोई दो सिचुएशन है वहाँ पर वो बैलेंस बना के चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे कुछ सिचुएशन में और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो उनके दिल के अंदर कुछ और है और वो सबको दिखा रहे कुछ और, ठीक है। हो सकता है उनका जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सिचुएशन है, यहाँ पर स्नेक है तो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एवकनिंग से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। कोई दो सिचुएशन में कन्फ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके, और उस कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन है, इसीलिए आपके पर्सन जो है बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन में फंस चुके हैं, क्योंकि काल जो गया है न्यू मून और उनकी एनर्जी अभी तक है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इल्यूजन है उनके माइंड में, ओके। और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, दुखी है, रो रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, ओके। इस रिश्ते में कोई साइकिल एंड करना चाह रहे हैं आपके पर्सन और आपके साथ सेलिब्रेशन लेके आना चाहते हैं, इस एनर्जी में आना चाहते हैं, लेकिन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से वो गुजर रहे हैं। तो चलिए हर रोज की तरह इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूंगी कार्ड्स को। प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, प्लीज एंजल क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, क्लैरिफाई द कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। इंटीग्रेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर, इंटीग्रेशन क्यों आया है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, कोई सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, कोई कंप्लीशन लेके आना चाह रहे हैं, इसीलिए उनको पावर चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ताकि वो कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले सके और आपकी तरफ जस्टिस कर सके, बैलेंस लेके आ सके आपकी तरफ, ओके। तो जैसे कि न्यू मून की एनर्जी गया है तो बहुत ज़्यादा दुखी है, अपसेट है, ठीक है, छुप छुप के रो रहे हैं और कुछ मतलब एंड करना चाहते हैं। कुछ लोग का यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है आपके पर्सन के, ठीक है, यस, हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है गाइस कुछ लोगों के। तो आपके पर्सन जस्टिस चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच रीयूनियन हो जाए, आप दोनों बैलेंस में आ जाओ, यूनाइट हो जाओ, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है। गिल्ट क्यों आया है यहाँ पर, कैसा गिल्ट, देखिए जेस्चर करना चाहते हैं,
यस, कोई सिचुएशन एंड तो वो करना चाह रहे हैं, जहां पर वो अटके हुए हैं, जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कुछ रिग्रेशन है, गिल्ट है, अगर इमोशनली कोई पर्सन उनको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो सिचुएशन यहाँ पर एंड हो सकता है। अगर स्पेशली कोई फीमेल है या फिर उनके मादर है या फिर कोई अदर लव इंटरेस्ट है, चॉइसेस है उनके लाइफ में, उन सारे सिचुएशन को वो एंड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, परेशानी में है, अटके हुए हैं, वहाँ पर एंडिंग्स आएगा सिचुएशन में। ओके, और आपको जेस्चर करने वाले हैं आपके पर्सन। पार्टिसिपेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? पार्टिसिपेशन क्यों आया है? जैसे कि मैंने बोला है कि कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी से मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से मैरिज नहीं हो रहा है, या फिर मैरिज में सेपरेशन आया है, आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी रीजन है, इसीलिए रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, आप दोनों का फर्म फाउंडेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रहा है, या फिर शादीशुदा हो भी तो आप दोनों के बीच डिस्टेंस और सेपरेशन आ रहा है। देखिए, यहाँ से भी सेलिब्रेशन आ गया है और यहाँ पर भी सेलिब्रेशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपके पर्सन सेलिब्रेशन तो चाहते हैं, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वेटिंग है, लेकिन उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से केयर फ्री होकर बाहर आ जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। दी फूल आया है और आपको स्टेबिलिटी देंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है, आपके पर्सन वेटिंग में है फिलहाल। ओके, और यहाँ पर देखिए टेम्परेंस, सेम कार्ड से दिख रहे हैं आपको। तो कुछ लोग के पर्सन की हेल्थ इश्यूज है 100%, जिन लोग जानते हो किसी और से या फिर स्पाई करते हो, अगर आपको पता चलता है तो मुझे जरूर से कमेंट में बताना, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोग के पर्सन की हेल्थ इश्यूज है बहुत स्ट्रांगली। दी बार्डन क्यों आया है? दी बार्डन क्यों आया है? दी बार्डन क्यों आया है? आपके पर्सन की हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या फिर उनके फैमिली में किसी का, या फिर आपका भी हेल्थ इश्यूज हो सकता है। द बर्डन क्यों आया है? कुछ सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, वो सिचुएशन बोझ बन चुका है आपके पर्सन के ऊपर, जो सिचुएशन आगे मूव नहीं कर रहा है। देख रहे हैं आप, गिल्ट में है, परेशानी में है, सोच सोच के परेशान है कि कैसे वो मूवमेंट ले, कैसे सामने आए, आगे आए, कैसे ऑब्स्टिकल्स को काट ऑफ करें। कुछ सिचुएशन में वो डर है, खुद इनसिक्योर है कि वो एक्शन ले पाएंगे क्या, काट ऑफ कर पाएंगे क्या सिचुएशन को, और वो डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन आप ही मेजर जजमेंट करो, आप ही सब कुछ ठीक कर दो, आप ऐसा कुछ करो ताकि सब कुछ सही हो जाए, ऐसा एनर्जी है। पेशेंस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? पेशेंस क्यों आया है? स्टक है, देखिए गिल्ट का कार्ड आया था, यहाँ पर स्टक आ गए हैं, दोनों सेम है। तो कोई किसी का फैमिली इंटरफेरेंस है, किसी के अदर पर्सन इंटरफेरेंस है, तो जो भी हो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन स्टक है, वहाँ से बाहर आना चाहते हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं, भाग के आपके तरफ आना चाहते हैं चोरी छुप के, और ब्रेकअप सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं, उसके लिए पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो ज़रूरत पड़े तो वो उस थर्ड पार्टी से चोरी छुप के भी भाग के आना चाहते हैं, ओके, और प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये भी जो होते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल, प्लानिंग की एनर्जी होते हैं, स्ट्रेटेजी की एनर्जी होते हैं, और ये खुद जो सेवन ऑफ पेंटिकल है, ये भी प्लानिंग की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ आए। एक्सपीरियंसिंग क्यों आया है एंजल? कैसा एक्सपीरियंस गैदर कर रहे हैं? लवर, तो रियूनियन चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं, ठीक है, जिस भी थ्री यहाँ पर नंबर दिख रहा है, जिस भी वेटिंग में वो है, वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको खुद के लाइफ में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आइसोलेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पर है, ठीक है, और वहाँ से वो बहुत क्विकली आना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत भी वो करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, तो कॉल मैसेज भी करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। देखिए फास्ट मूविंग के साथ एट ऑफ बैंड्स, इमोशनल भी है आपके लिए, किंग ऑफ कप्स, इमोशन के राजा। सेलिब्रेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? क्या सेलिब्रेशन आएगा? क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आ जाएंगे उनके तरफ? क्या बातचीत हो पाएगा? सेलिब्रेशन क्यों आया है? यस,
जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन और बैलेंस होने वाला है, और कुछ लोग के घर में शादी की कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ लोग आज के दिन में या फिर इस रीडिंग को देखने के आसपास आप लोग कोई शादी वगैरह अटेंड कर सकते हो, या फिर आपके फैमिली में किसी का शादी हो, ऐसा भी हो सकता है। और जो लोग सेपरेशन में हो लेकिन ऑलरेडी मैरिड हो आपके पर्सन से, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन बैलेंस आ सकता है। जो लोग सिंगल हो, आने वाला टाइम में आपका जो रिश्ता है वो धीरे धीरे शादी की तरफ जाएगा, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा गाइस। तो आप लोग रीडिंग देखते हो और दूसरे ही पल सोचते हो कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होगा, होगा जरूर, लेकिन टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। एट ऑफ पेंट्स क्यों आया है एंजल, देखिए यहाँ से आया था ना सेवन ऑफ पेंटिकल, देखिए सेम कार्ड, इसके बाद ये कार्ड है, तो यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल आ गए हैं। तो मैंने पूछा कब तक कॉल मैसेज आएगा, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने बोला है, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पर 9 डेज में भी आ सकता है, 9 वीक में भी आ सकता है, कुछ लोगों को अभी भी पेशेंस रखना है, ठीक है, पेशेंस रखो और डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। जो भी टावर मोमेंट है आप दोनों के बीच, वो टावर मोमेंट खत्म होगा, ठीक है, सेपरेशन खत्म होगा और आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगा विद द सन कार्ड, एक्शन जरूर होगा, ओके। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस से गाइडेंस देखूंगी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए आज के दिन में। तो रीडिंग हर रोज बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि थोड़ा शॉर्ट में आपको एनर्जी पता चले। और आप लोगों को भी लगता होगा कि मैम बहुत सारे कार्ड्स लेते हैं तो उनमें सारी एनर्जी आ जाते होंगे, इसीलिए मैंने आज थोड़ा कम लिया है यहाँ पर, ताकि आपको ना लगे कि सारी एनर्जी आ गए हैं, मैंने ज़्यादा कार्ड्स लिया है इसीलिए। तो आज मैंने कम कार्ड लिया, फिर भी मैसेज के कार्ड भी आए हैं, रियूनियन के कार्ड भी आए हैं। देखिए ये सारे पॉजिटिव एनर्जी है, तो रियूनियन होगा, शादी के कमिटमेंट मिल सकते हैं, आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस से, कुछ गाइडेंस मैं ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि उनका लव लाइफ इंप्रूव हो सके, ओवरऑल लाइफ इंप्रूव हो सके। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में ताकि उनका लव लाइफ इंप्रूव हो सके। आस्क योर एंजल, तो जिनको भी आप मानते हो एंजल में, डिवाइन में बिलीव रखते हो, उनको आस्क करो इन द नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में आपके लिए इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे कि मैंने बोला है किसी का हेल्थ इश्यूज है तो है, यहाँ पर इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड आ चुका है, डबल कंफर्मेशन दे रहे हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो जिनके बारे में आप सोच के बैठे हो कुछ, तो उनके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो ताकि आपको कुछ और पता चले, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं भी हो सकता है, नॉट द राइट टाइम, तो ये सही समय नहीं है आप लोगों के लिए रिकॉन्सिडर। अगर आपका गलती है तो आप जाके रिकॉन्सिडर करो सिचुएशन में। यू आर रेडी, तो कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आप रेडी हो, नो, ठीक है, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है, परफेक्ट टाइमिंग, तो परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ आपके लिए परफेक्ट होगा। तो गाइज ये था आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग, अगर अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर देना और कमेंट में बताना कितना रेजोनेट हुआ है नहीं हुआ है, ओके। रियूनियन होता है, कॉल मैसेज आता है तो जरूर से बता देना है आपको, ओके। और जिन लोग भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग न्यू हो वो लोग भी जो है सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे वीडियो सबको अच्छा लग रहे हैं तो, ओके। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर योर सेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, जितना हो सके दूसरों के हेल्प जरूर कर देना, ओके। तो टाटा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।